जो करंट रहता है वो क्या रहता है? सेम। कारण कभी करंट डिवाइड नहीं होता। बट पॉइंट क्या है कि जब ये आई करंट इस आर वन से गुजरेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी देगा। एनर्जी मतलब वोल्टेज। तो इसको वोल्टेज देगा बी वन, फिर यही करंट इससे गुजरेगा तो इसको कितना वोल्टेज देगा आपका? तो ये छोटा सा पॉइंट दिमाग में सब लोग याद रखना, करंट कभी ड्रॉप नहीं होता बट वोल्टेज हमेशा क्या होता है? ड्रॉप होता है। तो ये पॉइंट जब बोलेंगे तो सीरीज में करंट सेम है तो सीरीज में ड्रॉप कौन, डिफरेंट कौन होगा? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आमतौर पर लोग स्किप करते हैं। फिर जब आप खुद सॉल्व करोगे सर्किट को तो वहां पर ये छोटी छोटी बातें दिक्कत देगी। अब समस्या ये कि छोटी छोटी बातें बुक में नहीं लिखी होती, वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया आर इक्विवेलेंट का जो आप लोगों ने रट लिया। बट ये छोटी छोटी बातें याद रखना कि सीरीज में करंट सेम होता है बट सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट। तो आप लोग बच्चों यहाँ पर देखिए, टोटल हमारे पास जो वोल्टेज था वो कितना था? वी था। इस वी में से पहले वाले रेजिस्टेंस को कितना दे दिया? वी वन। और दूसरे वाले रेजिस्टेंस को कितना दे दिया? वी टू। तो अगर सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, डिवाइड होता है, तो सीरीज में फॉर्मूला बनता है वोल्टेज डिविजन रूल का। इसको ध्यान से देखना, ये कैपेसिटेंस में भी आता है इसलिए इसको ध्यान से देखना। हाँ, तो इस फॉर्मूले को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं उसको आप लोग देखिए। फिर सेम फॉर्मूला में पैरेलल में भी बनाऊंगा। याद कैसे रखना है सब लोग इस पॉइंट से कि सीरीज पैरेलल में एक चीज सेम होती है, ऐसे पैरेलल में बताऊंगा, और एक चीज डिफरेंट होती है। तो सीरीज में करंट सेम है, वोल्टेज क्या है? डिफरेंट। तो वी वन की वैल्यू कैसे याद रखें और वी टू की वैल्यू कैसे याद रखें, जब आगे सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा तो आप लोग खुद इसको बना भी सकते हो। बट अभी इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं थोड़ा सा पूछता हूँ। जैसे सेंटर ऑफ मास की दूरी लिखना मैंने बताई थी टू पार्टिकल के लिए, सीधे बैठो